धन्यवाद। आज इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अधिष्ठाता समाज संकाय और शिक्षा संकाय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय के प्राचार्य यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित शिक्षक स्नातकोत्तर विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और वर्तमान में महाविद्यालय के विभाग राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष वेरी वेल नोन स्कॉलर राजनीति विज्ञान के विद्वान डॉक्टर लोकनाथ सर यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित पूर्व प्राचार्य आप और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ सभा में उपस्थित हैं आप सभी को मेरा जवाब और सभी छात्र छात्राओं को मेरा स्नेह और आशीष। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ शुक्रगुजार हूँ प्राचार्य महिला कॉलेज चाईबासा का बीएड डिपार्टमेंट का कि इतने लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हमारे माननीय कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हैं हमारे अधिष्ठाता यहाँ उपस्थित हैं पूर्व प्राचार्य उपस्थित हैं और आप सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबों के बीच दो शब्द कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबों का दिल से शुक्रिया। वो भाषा पर आधारित डॉक्टर रोनिमा मानकी द्वारा संपादित यह पुस्तक हो हयम इन तुम मैडम हो हयम इन तुम वो भाषा शिक्षण पर आधारित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सबसे पहले मैं उस आदिवासी दार्शनिक गुरु श्री लोको बोधरा जी का उस सभा सुमन अर्पित करते हुए उनको दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भाषा के जनक भी हैं और वो भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। श्री लोको बोधरा जी ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष में जो आदिवासी पुनर्जागरण का काल रहा है इसके ये प्रमुख गुरु हैं। और सॉरी अभी मेरी नजर गई हमारे प्रेस से आए हुए हमारे मीडियाकर्मी बंधुओं के मैं क्षमा चाहता हूँ आपका मैं आपको एड्रेस नहीं कर पाया। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आई अपोलाइज अभी मेरी नजर गई नजर तो पहले भी गई थी लेकिन अभी थोड़ा ध्यान गया। ऐसा माना जाता है कि जो संथाली भाषा साहित्य में रघुनाथ मुर्मू जी का जो स्थान है वही स्थान हमारे वो भाषा में श्री लोको बोधरा जी का है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सांस्कृतिक पुनर्जागरण में लगा दिया। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियों से काफी प्रभावित थे। वो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। ये बहुत वो भाषा के लिए भी इस क्षेत्रीय भाषा के लिए इस मातृभाषा के लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़ा प्रासंगिक है। वो खड़ी बोली इसको बोलते हैं हिंदी से पहले की बात है। निज भाषा उन्नति है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही अंग्रेजी पढ़ के जदपी सबगुण होत प्रवीण पैर निज भाषा बिन रहत हीन के बोलो बाबा आप लोग समझ गए हैं। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बिना मातृभाषा के जो भी हमारे समाज में उत्थान है या जो भी उन्नयन होता है उस सब के सूत्र में उस सब के मूल में हमारी मातृभाषा है हमारी क्षेत्रीय भाषा है। और बिना मातृभाषा के ज्ञान के बिना मातृभाषा के ज्ञान के हृदय की पीड़ा का निवारण कभी नहीं किया जा सकता। श्री लोको बोधरा जी को एक श्रेय यह भी जाता है 1940 में इन्होंने वारणचीति लिपि का आविष्कार किया और वो भाषा को उसको सम्मान दिलाया और आज तक उस उनके इस प्रयास में हम सभी लोग अनवरत रूप से वारणचीति लिपि हमारे ट्राइबल लैंग्वेज में हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी हमारे टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं आपका भी स्वागत है।
आप लोगों ने भी वाराणसी लिपि के बारे में काफी कुछ किया है और भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री लोगो बोधरा जी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जब वो पांचवी कक्षा में थे, तो श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध थे सर मातृभाषा की माता, इतना इस चीज ने इतना उनको उद्वेलित किया। उसी समय उन्होंने बचपन में बाल्यकाल में ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं वो भाषा को उसका सम्मान उसका हक दिला के रखूंगा। इसी क्रम में इसी यात्रा में डॉक्टर ओनिमा मांकी द्वारा संपादित यह पुस्तक वो भाषा को समृद्ध करने की दिशा में बड़ा एक सार्थक और सराहनीय प्रयास है। आपने जिस उत्साह जिस लगन जिस ईमानदारी से इस पुस्तक को धरातल पे लाया है, आज का यह विमोचन का कार्यक्रम आपके इस प्रयास में चार चांद लगा देगा, ऐसी मेरी कामना है। भाषा मानव अस्तित्व का वह माध्यम है जिसके सहारे हम सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, और भाषा अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सबसे विश्वसनीय साधन। यह इसकी प्रासंगिकता पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हमारे समाज का जो भी विकास होता है या उन्नति होता है, जो भी अस्मिता है, सामाजिक या सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा। मानव जब से अस्तित्व में आया, जब से मानव का अस्तित्व है, तब से ही भाषा किसी न किसी रूप में इसका उपयोग होते रहा है। चाहे वो ध्वनि के माध्यम से हम भाषा बोले, चाहे संकेत के माध्यम से बोले, चाहे किसी माध्यम से, लघुलुभाव यह है कि भाषा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है संप्रेषण का। लेकिन वर्तमान में जो भाषा की विविधता पे खतरा मंडरा रहा है, आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है कि फलां भाषा विलुप्त हो गया, यही हाल कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं को। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 40% आबादी ऐसी है जिन्हें शिक्षा की सुविधा उस भाषा में उन्हें उपलब्ध नहीं है जो आम बोलचाल की भाषा, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिसको वो समझ सकते हैं। वर्तमान जो बाजार का दबाव है, अंग्रेजी का प्रचलन और जो नौकरी को सृजन करने वाली जो भाषाएं हैं सर, इन सबों पर वर्चस्व ऐसा हो गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जहां का हम खाते हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वहां की स्थानीय लोक कलाओं स्थानीय संस्कृति को संवर्धित करें संरक्षित करें। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पर प्रयास नहीं हो रहे हैं आपके स्थानीय भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं को उन्नयन के, हो रहे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों को, हम अभिभावकों को भी आगे आना होगा, कभी जाके ये भाषा का उन्नति हो सकता है और हो भी रहा है। झारखंड की और ये वर्तमान शिक्षा नीति में एक और बहुत प्रासंगिक विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। वर्तमान जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें भी मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो प्राथमिक शिक्षा जो उपलब्ध कराई जाए सबों को, वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि भारत के जो विविध प्रकृति वाले क्षेत्र हैं वो क्षेत्रीय माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे से। इस दिशा में बड़ा एक सार्थक और सराहनीय प्रयास है। सही मायने में ये हमें अपनी मिट्टी की ओर लौटने का संदेश देता है, अपने जड़ों से जुड़ने का संदेश देता है, अपने संस्कारों को संवर्धित और संरक्षित करने का एक खूबसूरत संदेश है, और यह समय की मांग भी है और अनिवार्य है। प्रसंगवश हिंदी के वरिष्ठ कवि और सुप्रीम कोर्ट हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह के शब्दों में, जो बड़ा प्रासंगिक है क्षेत्रीय भाषा के संबंध में, ये किस तरह से हमें अपनी मिट्टी की ओर लौटने को विवश करता है, हमें प्रेरित करता है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं लिख के लिया है। जहाँ चीटियां लौटती हैं बिलों में,
जहां चीटियां लौटती हैं दिलों में, कठपुड़वा लौटता है काट के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूं तुम पे, ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूं तुम पे। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्रासंगिक है इस भाषा से संबंध होने के कारण। आज वैश्विक महामारी के संकटकालीन दौर में इस तरह के पुस्तक का संपादन, जो कि खासकर इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती है जब ये बीएड पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर डॉक्टर अरुणिमा मांकी ने इसका कुशल संपादन किया, इसको धरातल पे लाया, ये निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए, खासकर बीएड के सभी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा वाली बात है। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये पूरे बीएड विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं साथ ही में बीएड सरकार के सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आगे आए, देर न करें, इस तरह के लेखन से प्रकाशन से जुड़े सारे कार्य करें, अधिक से अधिक कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार करें, वेबिनार करें और अपने आप को समृद्ध करें शैक्षणिक रूप से। आप अगर शैक्षणिक रूप से समृद्ध होंगे तो आपका डिपार्टमेंट समृद्ध होगा, आपका डिपार्टमेंट समृद्ध होगा तो कॉलेज समृद्ध होगा। और ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि अगर आप शैक्षणिक रूप से डिपार्टमेंट समृद्ध है या कॉलेज समृद्ध है तो नैक के ग्रेडिंग में इसका बहुत अहम रोल होता है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर अरुणिमा मांकी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारा आशीष देता हूँ और मैं उनसे कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी रुके नहीं, थके नहीं, नहीं है ठीक है, मेरा मैसेज बता दी, थके नहीं, आप लोग के लिए भी यह मैसेज है। और बढ़ते रहें और उस चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये चंद पंक्तियाँ हमारे बीएड के शिक्षकों के लिए है, आप सभी छात्राओं के लिए। पूछो न मंजिल मेरी कहाँ है। सर डॉक्टर लोकनाथ सर मुस्कुरा रहे हैं, सर बस क्षमा मांगते हुए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो बड़ा ये छोटा सा प्रयास है। ना पूछो मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो सफर करने का ही नाम है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है जमी मेरी, मंजिल नहीं है जमीन मेरी, अभी तो पूरा आसमान बन गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके सुंदर वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब समय आ चुका है